क्योंकि मुनार यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली से सिर्फ आधे पौने घंटे की दूरी पर ही है ये। अगर आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी से, अपने कन्वेंस से आप अगर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एक घंटे में आप यूनिवर्सिटी पहुंच भी जाएंगे। जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिलता है तो यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट पीएचडी कराने का भी अप्रूवल मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं। दोस्तों, पीएचडी एक ऐसा कोर्स है या फिर कहें कि ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें एजुकेशन लेने के बाद आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं, मतलब कि डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं आप उस कोर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी पीएचडी करते हैं। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करने के लिए वैसे तो मास्टर्स में 55% मिनिमम आपके होने ही चाहिए, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे हिंदुस्तान में हैं जो पीएचडी में एडमिशन करवाती हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं। बहुत सारी अपने देश में यूनिवर्सिटीज हैं। पीएचडी करने के लिए हालांकि कई सारे जो डाउट्स आपके दिल में होते हैं, जैसे कि पीएचडी के लिए कितनी फीस देनी पड़ सकती है, पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इन सभी पर हमने बहुत बार आपको जवाब दिया है, बहुत बार आपके डाउट्स को क्लियर किया है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, जो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर वीडियोस बनाए हैं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुनार यूनिवर्सिटी की। आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्या कहती है मुनार यूनिवर्सिटी, फीस क्या है, किस तरह से आप एडमिशन ले पाएंगे, किन किन डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन करा सकती है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए पीएचडी के बारे में मुनार यूनिवर्सिटी से दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप पीएचडी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, और जब भी आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो याद रहे कि 5 चीजें हमें जरूर लिखकर भेजें एक ही मैसेज में। सबसे पहले अपना नाम लिखें, आप कहां से हैं ये भी लिखें, मास्टर्स में कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं और पीएचडी किस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, साथ में ही अपना फोन नंबर मेंशन जरूर करें। ये 5 चीजें आप अगर हम भेजेंगे तो हम इजीली आपको बता पाएंगे आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपके सभी तरह के सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और आपके एडमिशन लेने में हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जितनी भी वीडियोस बनाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया पीएचडी कैसे वो यूनिवर्सिटी करवाती है। मुनार यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोस्तों कहीं से भी चाहे आप एडमिशन लीजिए, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि यूजीसी का कोई स्पेशल कमेंट तो नहीं, या फिर यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को आप कहां चेक कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं, पहले यूजीसी पर उस यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए। मुनार यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जैसा आप पूछते हैं कि सर मुनार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया हो, ऐसे बहुत सारे सवाल जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए कि कहां यूजीसी पर यूनिवर्सिटी स्टैंड करती है, आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट मेंशन करेंगे, इंटरफेस खुलकर आएगा सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर जो टैब्स बने हैं, उन्हीं टैब्स में आपको एक टैब मिलेगा यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मुनार यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली से सिर्फ आधे पौने घंटे की दूरी पर ही है ये। अगर आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी से, अपने कन्वेंस से आप अगर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एक घंटे में आप यूनिवर्सिटी पहुंच भी जाएंगे। बहुत पास है दिल्ली के, दिल्ली NCR से बहुत पास पड़ती है यूनिवर्सिटी। आप जैसे ही स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां सभी स्टेट्स के नाम खुलकर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। टोटल देखा जाए तो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और जो मुनार यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो है 21वें नंबर पर। ये कोई रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां पर इसका नाम आया उसके हिसाब से डला हुआ है। मुनार यूनिवर्सिटी लिखी हुई है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.munar.edu.in। अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पर जाकर करते हैं तो मेरा मानना है आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जेन्युइनली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो यही है www.munar.edu.in। और साथ में ही यूनिवर्सिटी का आप आगे देखते हैं इसके अंदर, तो यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल मिला जब यूनिवर्सिटी बनी, ये बनी है 2010 में। यूनिवर्सिटी 12 अक्टूबर 2010 से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, और ऐसा कोई बैड कमेंट यहाँ पर मुनार यूनिवर्सिटी के बारे में यूजीसी का नहीं है कि आप एडमिशन इसमें ना लें। यहीं पर मोर डिटेल्स में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर वाइस चांसलर की डिटेल और रजिस्ट्रार साहब की डिटेल भी डली हुई है।
अब हम बात कर लेते हैं कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी किन किन डिसिप्लिन में किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी करवाती है, क्योंकि एडमिशन तो आप ले सकते हो, यूजीसी रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप एडमिशन ले। यूनिवर्सिटी की फीस भी अगर हम बात करें तो फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ की हमने फीस 4 लाख 5 लाख तक देखी है, 3 साल का जो प्रोग्राम होता है मिनिमम पीएचडी के लिए। इस यूनिवर्सिटी की फीस भी देखा जाए तो लगभग 3 लाख के आसपास ही आपको पड़ेगी अगर आप 3 साल की जो पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। हर साल 1 लाख रुपये आपको देना पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए 90,000 पर ईयर अगर फीस है भी तो इवेल्युएशन टाइम पर ये 25 से 30 हज़ार रुपये लेंगे, तो वही फीस पड़ेगी लगभग 3 लाख रुपये। यूनिवर्सिटी किन किन डिसिप्लिन्स में एडमिशन लेती है, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए, जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिलता है तो यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट पीएचडी कराने का भी अप्रूवल मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं, जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, यूजी पीजी होते हैं, साथ में रिसर्च जो होता है, इन सब में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। किन किन डिसिप्लिन्स में किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी करवाई जाती है इस यूनिवर्सिटी से, कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें। यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नंबर है जो यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए, वो भी यहीं पर आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा देखने से, साथ में जो हमारा दिया गया नंबर है आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप करें, या फिर जो यूनिवर्सिटी का नंबर दिया है इसके अंदर हमने, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी करवाती है पीएचडी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं इंजीनियरिंग से उन सभी में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है वो है पीएचडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन एजुकेशन, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन फाइन आर्ट, पीएचडी इन लॉ, पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, पीएचडी इन लाइफ साइंस, पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन फार्मेसी, पीएचडी इन फिलॉसफी, पीएचडी इन फिजिक्स एंड पीएचडी इन जूलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनके अंदर पीएचडी आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, बट यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल दोस्तों सभी हैं पीएचडी करवाने के लिए। आप पीएचडी में एडमिशन ले भी सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन की जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 या 2000 रुपये ही है, उससे ज़्यादा फीस नहीं है इनकी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, साथ में जब आपका एंट्रेंस होगा उसे ऑनलाइन कंडक्ट करें या ऑफलाइन कंडक्ट करें, दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, रेगुलर पीएचडी भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। आप कोई भी सपोर्ट चाहते हैं हमारी सपोर्ट आप एडमिशन में बिल्कुल ले सकते हैं। मोनार्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर सपोर्ट चाहते हैं आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं। मोनार्ड यूनिवर्सिटी से दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंट के साथ। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा तो मैं फिर आपको कहूँगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, साथ में ही तरीके से मतलब जो यूनिवर्सिटी को ही पेमेंट करें, और सिस्टम को प्रॉपरली अगर आप चलाएंगे तो मेरा मानना है आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ जरूर हो सकती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में मोनार्ड यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर पीएचडी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप सवाल पूछना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें अपने आप को जो कुछ चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।